हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर्स ट्रूली टेस्टी। आज हम बनाएंगे डोमिनोज स्टाइल बर्गर पिज्जा। बहुत ही इजी है गाइस इसे घर में बनाना, और मैं गारंटी करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैं दो बर्गर बन ले रही हूँ, जिसकी एक तरफ मैं चीज़ स्प्रेड लगाऊंगी और दूसरी तरफ मेयोनीज। आप मेयोनीज की जगह पिज़्ज़ा सॉस या फिर टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। हाफ कप ग्रेटेड चीज़ लिया है और पनीर को मैंने सॉटे कर लिया है। सॉटे करने के लिए हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। गैस को हमें लो फ्लेम पे रखना है। ये गया हल्दी पाउडर और कस्तूरी मेथी क्रश करके। अब मैं हाफ स्पून बटर डाल दूंगी और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं पनीर डाल दूंगी। पनीर हमें बारीक कटा हुआ डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। बस मिक्स कर लिया है और हमारा पनीर तैयार है। मैंने कॉर्न लिया है। कॉर्न को मैंने थोड़ी देर पानी में बॉईल कर लिया था जिससे वो कुक हो जाए। कैप्सिकम ली है बारीक कटी हुई। अनियन लिया है। रेड पेपरिका का एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है जो कि हम घर में बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने दो सूखी लाल मिर्च को मैं उबलते हुए पानी में 30 मिनट के लिए सोक करके रख दूंगी। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप पानी में सूखी लाल मिर्च को डालकर 5 मिनट तक बॉईल कर सकते हैं। आपकी लाल मिर्च फूल जाएगी। देखिए गाइस कितने बढ़िया तरीके से हमारी सूखी लाल मिर्च फूल गई है। अब हम इसको बारीक काट लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट होता है रेड पेपरिका का। अब मैं मेयोनीज में हर्ब्स मिक्स कर लूँगी। आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं। ओरिगानो और चिली फ्लेक्स। अब इसको मिक्स कर लूँगी और बैक ऑफ द स्पून से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसी तरीके से मैं अपर पार्ट ऑफ द बन पे चीज स्प्रेड बैक ऑफ द स्पून से अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। तो गाइस अब हम टॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं चीज की एक लेयर लगा दूंगी। अच्छे से स्प्रेड करके लगाना है इवनली, और उसके बाद बाकी की सारी वेजीज। ये एकदम पिज्जा जैसा टेस्ट करता है गाइस। कभी भी आपको पिज्जा क्रेविंग हो रही हो तो दिस इज अ वेरी क्विक रेसिपी टू सेटिस्फाई योर पिज्जा क्रेविंग्स। पिज्जा बनाने में फिर भी काफी टाइम लगता है, बट दिस रेसिपी गाइस हार्डली टेक 10 मिनट्स। सारी टॉपिंग्स हो चुकी हैं। बन के अपर साइड पे मैंने हल्का सा बटर लगाया है और ओरिगैनो चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर लिया है। अब हमारे बन्स अवन में जाने के लिए रेडी हैं। अवन को मैंने 200 डिग्रीज पे 5 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था। ये गए मेरे बर्गर बन्स और इसको मैं 200 डिग्रीज पे 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी। आप इसको देखते रहना, कंटिन्यूअस वॉच रखना आफ्टर 3 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद तैयार है हमारा वेजिटेबल चीज लोडेड बर्गर पिज्जा। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो डू ट्राई एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी हेल्दी।